सो क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का. इंटीग्रल ऑफ 2 cos x अपॉन 1 - sin x इंटू 1 + sin² x dx. अब इसमें हम देखें तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा. तो इसका सबसे पहला स्टेप जो आपके पास होता है दैट यू हैव टू चेक दैट वेदर यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन और नॉट. तो सब्स्टिट्यूशन चेक करने के लिए हम देखते हैं कि क्या किसी टर्म का डेरिवेटिव सेम उसी टर्म में प्रेजेंट है. तो अगर हम यहाँ देखें तो आपके पास देखो यहाँ पर साइन एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स है और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स. ऊपर प्रेजेंट है डेरिवेटिव. तो इसका मतलब यहाँ आप क्या लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन. तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास है 2 cos x अपॉन 1 - sin x इंटू 1 + sin² x dx. तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी. तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी. यहाँ पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी और ये हो जाएगा 1 - t 1 + t². अब यहाँ पर देखो तो ये कौन सी फॉर्म बनती है, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, पार्शियल फ्रैक्शन की थर्ड फॉर्म. जो पार्शियल फ्रैक्शन की थर्ड फॉर्म थी उसे हम कैसे लिखते थे, दिस 1 + t². तो ये आपके पास क्या थी, एनी कांस्टेंट a अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता तो ऊपर क्या आता था, ए टी प्लस बी टी प्लस सी. ए हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो ये आ जाएगा बी टी प्लस सी अपॉन 1 + t². अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे. तो ये आ जाएगा ट्वाइस इज इक्वल टू एल सी एम ले पहले, ए ऑफ 1 + t² प्लस बी टी प्लस सी ऑफ 1 - t. मल्टीप्लाई करें इसे तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2 = ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी माइनस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी. तो टी स्क्वायर पहले कलेक्ट कर लो, दैट इज योर ए माइनस बी. फिर टी की टर्म्स को कलेक्ट करोगे तो बी माइनस सी और कांस्टेंट इकट्ठा करेंगे तो ए प्लस सी. सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो ज़ीरो, यहाँ टी स्क्वायर के साथ है ए माइनस बी, यहाँ टी की कोई भी टर्म नहीं है यहाँ टी के साथ है बी माइनस सी और यहाँ कांस्टेंट है 2 और यहाँ है a प्लस सी. तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे 1, 2 and 3, वी गेट ए बी सी. तो ए बी सी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, a1, b1 और c1. इस केस में देखो सेकेंड और थर्ड को अगर हम ऐड करें तो ए प्लस बी आ रहा है, ए प्लस बी इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 1, इसमें डालेंगे तो बी 1, इसमें डालेंगे तो सी 1. तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1. अब ए बी सी की वैल्यू को 1 हम किस में पुट करेंगे, इसमें. तो यहाँ हम पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट. तो आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 upon 1 - t, ये आपके पास किसके इक्वल था, 2 upon 1 - t 1 + t² ये हमने लिखा था a upon 1 - t प्लस बी, बी कितना आ गया हमारे पास 1, बी टी प्लस सी वो भी 1 हो गया अपॉन 1 + t². अब हमें इसे इंटीग्रेट करना था तो हम इसे इंटीग्रेट करें तो दैट मीन्स 1 upon 1 - t dt प्लस, अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम इसे सेपरेट कर देंगे, दिस प्लस 1 upon 1 + t² dt. अब सिंपल इंटीग्रेशन है,
ये क्या हो जाएगा आपके पास, वन अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन लॉग वन माइनस टी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ, जिसे टी सपोज किया क्या था ये माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस। यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग रहा है आपके पास, अगर हम टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ लॉग ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, दैट इज टैन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो तो माइनस लॉग ऑफ वन माइनस साइन एक्स प्लस हाफ लॉग ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। तो ये था आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन थर्ड फॉर्म।